शां शरणं मम ना हम तू हो तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा हमारे अंदर दो पहलू है, एक मन और दूसरा हृदय। मन हर बात में हिसाब किताब करता है क्योंकि मन सकामी है, हृदय निष्कामी है। मन कहता है यदि मैंने ये काम किया तो मुझे क्या मिलेगा। मन फल की इच्छा के पीछे भागता है लेकिन हृदय फल की इच्छा नहीं रखता। मन तृष्णाओं के पीछे भागता रहता है पर हृदय कुर्बानी करना चाहता है। हृदय कहता है अपना सब कुछ कर कुर्बान उस पर जिसने दिया है एक एक प्राण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मन बाह्य मुखी है, वह सारा समय बाहर ही भटकता रहता है। चूंकि वह बाहर भटकता है इसलिए इंसान के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। गुरु नानक देव जी अपने पवित्र वाणी में कहते हैं दह दस धावत, अर्थात मन दसों दस दिशाओं में भटकता रहता है। इट वांडर्स इन ऑल द 10 डायरेक्शंस। जब मन भटकता है तो हम भी उसके साथ भटकते रहते हैं। जितना हम भटकते हैं उतना हम बेचैन होते हैं और यह बेचैनी हमारे दुख का कारण है। दूसरी ओर हृदय अंतर्मुखी होता है, हृदय की एक ही भावना होती है, वह एकांत प्रिय होता है। हृदय एकांत में बैठकर प्रभु के कमल मुख को निहारना चाहता है, वह प्रभु का पावन नाम जपना चाहता है। हृदय उन्हीं बातों में अपना सुख खोजता है पर मन को शोर चाहिए। मन कहता है मैं पार्टी में जाऊंगा, सिनेमा जाऊंगा, मुझे शोर से दूर नहीं रहना है। जब मैं शोर से दूर होता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों हृदय अंतर्मुखी है। जो इंसान हृदय की बात सुनता है वह अपने अंतर में उतरना चाहता है, वह अपने अंतर में उतर कर एक शुभ दिन उस बिंदु तक पहुंच जाता है। द पॉइंट ऑफ पीस दैट पासेथ सरपासेथ अंडरस्टैंडिंग, उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां सच्ची शांति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों मन और हृदय के बारे में मैं आपको कई बातें बता सकता हूँ पर सब बातों की मूल बात है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि हम मन के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम हृदय की आवाज़ कैसे सुने। जो हृदय की आवाज़ सुनना चाहता है उसे एक फैसला करना होगा। हमारे एक तरफ ये संसार ये दुनिया ये जग है और दूसरी ओर हमारे प्रभु हमारे प्रियतम हमारे मालिक, हमें उनमें से किसी एक का चुनाव करना होगा। आइदर गॉड और द वर्ल्ड, हमें संसार और भगवान के बीच किसी एक को चुनना है। धन्य है वह इंसान जो कहता है पहले भगवान फिर संसार। मेरे प्रियजनों 2000 वर्ष पहले जब श्री ईसा इस पृथ्वी पर आए
तो उन्होंने कहा, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, अर्थात पहले तुम ईश्वर की तलाश करो, जब तुम ईश्वर को खोज लोगे तब तुम देखोगे सारा संसार तुम्हारे पीछे है, उसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, पर पहले ईश्वर की तलाश करो, कहो हमें ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें केवल प्रभु चाहिए, केवल प्रभु, केवल प्रभु चाहिए, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं। दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं। झूठा झूठा ये जग सारा, झूठा झूठा ये जग सारा, झूठा सारा पसारा, झूठा सारा पसारा। दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिल पर मैं तो तुझको ही चाहूं। नाम बिना ना दूजा काम, संतन चरणन मेरा धाम, नाम बिना ना दूजा काम, संतन चरणन मेरा धाम, नाम बिना ना दूजा काम, संतन चरणन मेरा धाम। मैं तो रात रात जागूं, मैं तो रात रात जागूं, जाकर राम को रिझाऊं, जाकर राम को रिझाऊं। सुन ले साजन दिल की पुकार, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं, दिलबर मैं तो तुझको ही ध्याऊं, दिलबर मैं तो तुझको ही चाहूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके भीतर सच्चे सुख को पाने की चाह है, अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो जाओ पहले ईश्वर की तलाश करो, पहले ईश्वर के हो जाओ, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, उस एक परमात्मा पर भरोसा करो, उसकी आस रखो, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि मन के भटकने का एक कारण है चिंता। इस दुनिया में एक एक मनुष्य को चिंताओं ने घेर रखा है। एक महिला ने कहा कि एक समय था मैं ध्यान साधना कर सकती थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं आनंद सरोवर में तैर रही हूँ, किंतु आजकल मैं ध्यान साधना नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो केवल अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता सताती है।
उसके लिए कई रिश्ते आए हैं पर कहीं भी बात नहीं बन रही। मेरे प्रियजनों, चिंताएं ही मनुष्य के मन को भटकाती हैं। जीवन में जो कुछ आप करना चाहें करें, घूमें फिरें, पार्टीज में जाएं, केवल स्वयं से एक प्रश्न पूछें कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका मेरे मन पर क्या प्रभाव होगा। प्रभाव चाहे आज हो या कल अथवा 10 साल बाद। ध्यान दें, कहीं ऐसा न हो कि जो काम आप कर रहे हैं उसे करने से आपको भविष्य में कोई चिंता तो नहीं होगी। मन जब चेतनाओं से मुक्त हो जाता है तभी मनुष्य को सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। बच्चे को आपने देखा है कितना निश्चिंत रहता है और वह जानता है कि उसे जो कुछ चाहिए माँ उसे वो देगी, मुझे कोई परवाह नहीं। यदि एक बार हम भी नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की तरह निश्चिंत हो जाएं, एक बार हमें यह विश्वास हो जाए कि परमात्मा हमारी माता है, हमारे पिता हैं और वे हमारी सारी ज़रूरतों को अवश्य पूरा करेंगे, तो फिर हमें न कोई डर होगा न कोई चिंता। एक बालक बहुत डरपोक था, उसके साथी मिलकर जोर से भू किया करते थे तो वह बहुत डर जाता था। एक दिन वह अपनी माँ के गोद में बैठा था, उसके सारे साथी मिलकर भू करते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, किंतु बालक बिल्कुल नहीं डरा। उसके मित्र हैरान हो गए और उस बालक से पूछा, आज तुम्हें हमारी आवाज़ सुनकर डर नहीं लगा? तो उस बालक ने उत्तर दिया, आज तो मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ, फिर मुझे डर कैसा। इस बालक की तरह हमें भी ईश्वर पर विश्वास हो जाए, यह श्रद्धा हमारे मन में दृढ़ हो जाए, तो हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे सहजता कहते हैं, जो मुक्ति के बराबर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं पर लेता हूँ। इस श्लोक द्वारा भगवान ने वचन दिया है कि जो मनुष्य एकाग्र मन से परमात्मा का चिंतन करता है, प्रभु की अनन्य भक्ति करता है, जो भी कार्य करता है ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर करता है और अपने सारे कर्म प्रभु अर्पण करता है, ऐसे भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। बस हमें भगवान की शरण में जाना है, ईश्वर की ओर उन्मुख होना है, फिर हमारे मन की सारी चंचलता अपने आप लिप्त हो जाएगी और हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई बात हमें विचलित नहीं करेगी, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। यह योग क्या है और क्षेम क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं जो भक्त के पास होती हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, और कई चीज़ें हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, वे सभी मैं उस भक्त को पहुँचाता हूँ। कितने लोगों को चिंता होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, नौकरी कब मिलेगी, घर परिवार की देखभाल कौन करेगा। कितने लोग होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में चिंतित रहते हैं, सोचते हैं साधना करते करते कई साल हो गए हैं किंतु हमने कोई उन्नति नहीं की है। भगवान कहते हैं, जो कुछ चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा।
इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। एक बार एक संत अपने शिष्यों से अपने अनुभवों का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक समय था जब वे लाखों करोड़ों बार ये शब्द दोहराते थे, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ माय गॉड। रात को जब सब सोए रहते थे तो उनके मुख से बार बार ये शब्द निकलते थे, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ माय गॉड। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम। संत ने कहा, ईश्वर के अलावा मेरे लिए और कुछ था ही नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा करने से हमारा हृदय एकाग्र होता है। जब हृदय एकाग्र होता है तब वह मन को अपने वश में कर लेता है। जब मन पवित्र हृदय के वश में रहता है तब मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है। पर हमारी हालत क्या है इस समय? हमारी इंद्रियां सारा समय विषयों के पीछे भाग रही है। कोई सुंदर रूप देखा तो हमारी इंद्रियां उसके पीछे भागती हैं। हमारी इंद्रियां मान सम्मान के पीछे भागती हैं। इस झूठे जग की झूठी बड़ाई हमारी इंद्रियों को भाती है। विषयों को देखकर हमारी इंद्रियां अपना फन उठाने लगती हैं। फिर ये इंद्रियां मन को अपने वश में कर लेती है। मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। जब इंद्रियां और मन एक हो जाते हैं तो वे हृदय को अपने वश में कर लेते हैं। फिर बेचारा हृदय, जो ईश्वर का घर है, वह मैला हो जाता है। अब ईश्वर मैले घर में तो नहीं रह सकते ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि कुत्ता किसी स्थान पर बैठता है तो वह पहले उस स्थान को अपने पूंछ से साफ करता है। फिर हृदय तो ईश्वर का घर है। जब तक हम हृदय को साफ नहीं रखते, जब तक हमने इस घर से विषय विकारों को निकाल बाहर नहीं किया है, तब तक ईश्वर इस घर में कैसे आ सकते हैं? इस समय हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे विकारों ने घर कर लिया है। ऐसे हृदय में ईश्वर कैसे आ सकते हैं? अपना हृदय साफ रखो। Never forget my friends that out of the heart are the issues of life। जीवन के सारे फैसले हृदय द्वारा ही किए जाते हैं। और यदि हमारा हृदय ही अपवित्र है, यदि हमारा हृदय ही गंदा है, तो हमारे सारे फैसले गलत होते हैं और फिर हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। अगर हम सही राह पर चलना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना हृदय साफ रखें, हृदय साफ रखें, हृदय साफ रखें। इसलिए संत महात्मा बार बार इस बात का आवाहन करते हैं, हे इंसान, तो अपना दिल साफ रखो। Keep your heart clean, keep your heart pure। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे और परमात्मा के बीच केवल एक ही पर्दा है, वो पर्दा है खुदी का पर्दा। इस पर्दे को हटाओ। गुरुदेव साधु वासवानी जी की शिक्षा में एक बात पर जोर दिया गया है। वे कहते थे, तुम अपनी खुदी को मिटाओ। जो खुदी मिटाता है वह खुदा को पाता है। और यह खुदी कैसे मिटेगी? उसके लिए स्वयं को कुछ न समझें, प्रभु को ही सब कुछ समझें। आई एम नथिंग, थाउ आर्ट द ऑल, ओ लॉर्ड। हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब हम इस बात का बार बार ध्यान करेंगे तो हमारे विचार अधिक से अधिक ईश्वर की ओर जाने लगेंगे। इसलिए संतों ने हमें एक सरल मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है, तो बार बार ईश्वर का पावन नाम जपो, नाम जपो।
अपना काम काज करो, पर काम काज करते हुए बीच बीच में थोड़ा सा समय बचाकर ईश्वर का नाम जपो, नाम जपो। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की ओर निहारो, ईश्वर आपसे दूर नहीं है। क्लोजर इज ही टू यू देन ब्रीदिंग, नियर इज ही टू यू देन हैंड्स एंड फीट। इसलिए ईश्वर को याद करो, रांझा रांझा पर्दे में मैं भी रांझा हुई। हीर ने कहा, रांझा रांझा पुकारते पुकारते मैं स्वयं रांझा बन गई। मैं अब हीर नहीं हूँ, हीर तो गुम हो गई। धन्य है वह इंसान जिसकी ऐसी अवस्था होती है, जिसकी सारी खुदी मिट जाती है। फिर तो हीर है ही नहीं, फिर तो सिर्फ रांझा ही रांझा। फिर तो मैं हूँ ही नहीं, फिर तो बस एक तू ही तू, एक तू ही तू, एक तू ही तू। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू। ओम शांति शांति शांति।